आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके पास कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो कोई भी कंडक्टर को हम चार्ज कर देते हैं तो उसको चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ता है हमको, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, उसके अंदर रिजर्व हो जाता है, ठीक है। और वही जब हम उस चार्ज प्लेट को चार्जिंग से हटाते हैं तो उसमें से चार्ज क्या हो जाता है, मूव करना, मोशन करना शुरू हो जाता है। किसी भी अगर हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो वही जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान क्यू। तो dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dW अपान क्यू। तो dW इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान क्यू इंटू डीवी, ठीक है। तो चार्ज भी यहां पर हम लोग बढ़ा रहे हैं और जो है तो वोल्टेज भी बढ़ा रहे हैं, तो क्योंकि इसको यहाँ पर हमको चार्ज के टर्म में नहीं वोल्टेज के टर्म में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो Q की जगह पर क्या रखेंगे, सी वी। टी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी डी वी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अब इंटीग्रेशन वर्क जो करना पड़ेगा पहले जीरो से लेकर W मतलब वर्क करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज जीरो से V तक जाएगा, C V dV। तो C को हम लोग बाहर कर दे रहे हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू को अगर हमने डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दिया तो यहां पर W आएगा, W इज इक्वल टू जीरो से W, और यही U पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें जो है रिजर्व हो जाएगा। और C बाहर कर दिया, V V का इंटीग्रेशन किया तो V स्क्वायर आया, लिमिट लगा दी जीरो से V, ठीक है। तो U इज इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन टू। एक्सएन का इंटीग्रेशन होता, अगर एक्सएन का इंटीग्रेशन किया जाए डीएक्स तो ये आता है एक्स एन प्लस वन और एन प्लस वन। तो एन प्लस वन मतलब वी प्लस वन, वी पर वी की पावर वन है, वन प्लस वन करेंगे तो टू हो जाएगा, वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर। ये इसकी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। और अगर ये किसके टर्म में है, कैपेसिटेंस के टर्म में, अगर हम चार्ज के टर्म में लिखना चाहते हैं तो चार्ज के टर्म में लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, ठीक है, Q अपॉन V। तो C की जगह पर हम Q अपॉन V लिख सकते हैं, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू Q V और V स्क्वायर, एक V से एक V कट गया, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू Q V। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कंडक्टर जिस पर चार्ज कितना है, Q है।